अविनाश जी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके भाव से तो ऊपर है ये शेयर, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेंज में फंसा हुआ है काफी दिनों से, आपको कोई उम्मीद है कि ये रेंज टूटेगी और शेयर ऊपर जाएगा, निवेशित रहे या फिर निकल जाए यहां से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इशू यस बैंक का है वो अभी इनके कैपिटल रेजिंग पे, कैपिटल एडिक्वेसी पे इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द ये इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यस बैंक से आ सकता है, और यही कारण है कि स्टॉक थोड़ा सा एक क्लोज दायरे में है। क्योंकि मान के चलिए कि अगर और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू में और थोड़ी सी कटौती होगी, और लग तो नहीं रहा है कि इनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। क्योंकि अभी भी यहाँ पे डाउट्स है वेदर यू नो एसेट क्वालिटी का जो पूरा मसला है वो क्लियर हो चुका है कि नहीं। तो मैं इनको यही कहूँगा कि देखिए, अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए, अदरवाइज बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, जो येस बैंक के मुकाबले में काफ़ी वेल पोजिशनड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स में, मैनेजमेंट का भी काफ़ी बड़ा योगदान होता है। और जब क्रेडिट ग्रोथ 11-12% होता है तभी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी अगर ठीक ठाक है तो ही आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, निवेशकों को यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका निवेश है तो आप उसको बनाए रखिए। सर, हम यही जानकारी जी लेना जी चाहते थे मैडम कि हम 49.20 रुपए से, मतलब 2000 शेयर स्मॉल उसको बैंक का खरीदे हैं शेयर मैडम, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? अच्छा, एक बार लेवल्स फिर से, वो भाव फिर से जी जी बताएंगे किस पर लिया था आपने? हमने 52 रुपए से स्टार्टिंग किया सर, 53-54 रुपए से स्टार्टिंग किया, तो खरीदते खरीदते 2000 शेयर हमने 49.20 रुपए मतलब हो गया था मैडम। अच्छा, तो अभी आपका करंट प्राइस जो है एवरेज करते करते 49.20 पर आ चुका है, और लगातार नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर। 52-53 पर लेना शुरू किया था, और हम देख रहे थोड़े ऊपरी लेवल्स पर आपने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की थी, और एवरेज करते करते जो इनका प्राइस आ चुका है वो है 49.20, और उसी के पास अब स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, आपसे सवाल लेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, क्या राय देंगे स्टॉक में? अभी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और स्टॉक, कोई और बैंकिंग स्पेस में ही कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा हो वहां पर निवेश करने की सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदा है, लेकिन बैंक अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये नया लिस्टेड स्टॉक है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने अगर 49 का एवरेज लेके इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है तो मैं इनको यही कहूँगा कि थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करिए, कम से कम एटलीस्ट एक 12 महीने का व्यू रखिए। क्योंकि नंबर्स आएंगे सितंबर के, उसके बाद बिजनेस कमेंट्री आएगी। लग तो रहा है कि डेफिनेटली सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखें, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, इक्विटास है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई आपको होगी। बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लंबा स्पेंड करना जरूरी है, शॉर्ट टर्म में नहीं, बट कम से कम अगले 8 से 12 महीने में आपको अच्छा यू नो रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।